इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। तो अगर कुछ मेंशन नहीं है तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट। तो फिर अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी रितिका? डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिटेड टू X% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, अगर सर एक ही साथ है, लमसम अमाउंट है, तो क्या एंट्री होगी? पहले बैंक की एंट्री आएगी फिर तो, ठीक है ना? ये तो ना कि पहले सर ड्यू होगा, नो। अगर एक ही लमसम अमाउंट है तो हमेशा पहले बैंक की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू X% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इशूड एट प्रीमियम। ध्यान रखना है रिडेम्पशन के बारे में कुछ मेंशन है कि नहीं है। तो कुछ मेंशन नहीं है तो क्या माना जाता है? रिडीमेबल एट पार। मैं नहीं करा रहा एंट्रीज एंट्रीज, आप सब बहुत समझदार बच्चे हैं, सब आपको होता है ऑलरेडी। क्वेश्चन की बात करते हैं सीधा। 10,000 डिबेंचर्स 100 ईच एट अ प्रीमियम पेबल अलॉन्ग, पूरा पैसा एक साथ कर देंगे 110 से एंट्रीज। ठीक है जी, अब ये वाला करते हैं कि अगर करना भी है तो स्टेजेस वाला करते हैं। एप्लीकेशन पे 50, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट 100 ईच, 20% पेबल प्रीमियम। ध्यान से देखना, लेमन ट्री लिमिटेड इशूड 5,000 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पेबल ऑन एप्लीकेशन 50 ऑन अलॉटमेंट बैलेंस अमाउंट। तो प्रीमियम इज पेबल ऑन एप्लीकेशन, स्पेसिफिकली मेंशनड है, यस और नो? नहीं, ठीक है। तो है प्रीमियम ऑफ 20% पेबल ऑन एप्लीकेशन, तो प्रीमियम एप्लीकेशन पे है कि नहीं है? नहीं है, यहाँ खत्म हो रहा है सेंटेंस। शेयर्स आर डिवेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम, फिर ऑन एप्लीकेशन 50 रुपये, ऑन अलॉटमेंट बाकी, तो अलॉटमेंट पे कितने हो गए? 30 रुपीज, यस और नो? 50 होगा, रॉन्ग, 70 होगा। 20 रुपीज प्रीमियम भी तो है, 50 तो फेस वैल्यू ही है। 50 प्लस 20, 50 प्लस 20, कोई डाउट? पक्का? चलो एंट्रीज बताएंगे आप, बोलो जल्दी से, बी लाउड एंड क्लियर। डिवेंचर एप्लीकेशन या डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट? गुड। कितने डिवेंचर्स हैं? 5,000, 50 रुपये, कितने रुपए हो गए? 2,50,000। 5 5 25, 2,50,000, कोई डाउट? आगे बोलो। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिटेड टू 9%, कितना? 250। अब प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम बोले जल्दी से। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। आगे बोलें। अमाउंट 61,000 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉट, ठीक है जी। चलो अलॉटमेंट कितना है? 70 रुपीज, 7 5 35, 350, 5 5 25, 1 लाख, कितने पैसे आए? 350। इजी या वेरी इजी? वेरी इजी। मैं बिना बताए भी आपको बोल सकता था ये क्वेश्चन कर लो, और आप कर भी पाते, क्योंकि मैं आपको भी कुछ नया नहीं बता रहा। बट कल को आप ये ना बोले कि कराया नहीं, बस इसलिए करा। तो एक करा इशूड एट पार, एक करा इशूड एट प्रीमियम।